कोतवाली औरैया के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के संबंध में ड्यूटी करने के दौरान टोल प्लाजा अजीत मल में पुलिस कर्मियों द्वारा बरती गई लापरवाही, जिसमें 8 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। सड़क हादसे में 26 श्रमिकों की मौत का मामला पुलिस अधीक्षक ने जांच के एक उप निरीक्षक समेत 8 पुलिस कर्मियों को किया निलंबित। घटना के समय सभी 8 पुलिस कर्मियों की टोल प्लाजा पर ड्यूटी थी। इन पुलिस कर्मियों के द्वारा प्रभावी चेकिंग नहीं की गई। कोतवाली अजीत मल में तैनात थे सभी पुलिसकर्मी उप निरीक्षक रामजीत, मुख्य आर्ची पुत्तू लाल, शिवपाल आर्ची विजय सिंह, प्रवीण कुमार, शेखर सिद्धार्थ, अंशु, इन सभी पुलिसकर्मियों को उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। और औरैया से संवाददाता एस के यादव की रिपोर्ट। देखिए, ये 15/16 की रात में 2 ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था जिला औरैया के मेहरोली ग्राम पे हाईवे पे, और उसमें 26 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसी क्रम में एक जांच बैठी थी, एडिशनल एसपी से एक जांच करवाई गई थी, उसकी रिपोर्ट आई है। इसमें ये बात प्रकाश में आई कि करीब 2 बजे के आसपास ये दोनों वाहन हमारे यहाँ अनंतराम टोल से निकले थे। हमारे यहाँ जो चेकिंग है वो बॉर्डर का चेकिंग अनंतराम टोल पर किया जाता है और पर्याप्त मात्रा में वहाँ फोर्स लगाया जाता है, और प्रथम दृष्टिया उस फोर्स की ये लापरवाही दिखी है जिसके कारण ये हादसा हुआ। और इसी क्रम में आज एक सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल, 5 कांस्टेबल जिनकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी, उनको निलंबित कर दिया गया है।